स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज हम 11.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिनिश करेंगे। तो आज के जो पार्ट 1 में है हम क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहें ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके और हमें भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ 19 पेन इज 570, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 पेंस। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इसमें दो क्वांटिटीज क्या क्या दी हुई हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है इसमें पेन की, ठीक है, और सेकंड क्वांटिटी हमें दी है इसमें रुपीज की, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट बताइए। एक तो कॉस्ट हो गया एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी हो गई इसके पेन। तो हम इसे टेबल बनाकर करेंगे, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए ये डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो करेंगे, एक साइड हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो एक तरफ पेन और एक तरफ पोस्ट। तो एक तरफ दी हुई है 19 पेंस की कितनी है 570 रुपीस। तो हमसे पूछा है 32 पेंस की कॉस्ट पूछी है हमसे, तो हमने क्योंकि हमें दिया नहीं है तो हमने एक्स मान लिया। अब ये हमारे किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखते हुए चलना है। दिस क्वेश्चन गिवन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमें किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x1/y1 = x2/y2। तो इसे हम x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। तो x1 की वैल्यू क्या है 90/570 = x2 की 32/y2 की, कुछ नहीं है तो y2 लिख देंगे या x भी लिख सकते हैं आप। x, ठीक है, y2 की हमें क्या दी हुई है x, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x = क्या हो जाएगा 570 × 32। अब देखना x = यहां 90 × में है तो यहां किस में जाएगा, डिवाइड में 93 × 57 0 और x = करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 32 × 60 6 कैरी और 13 × 90 और ये कितना हो जाएगा 96 और ये क्या है पोस्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी 32 पेन की पोस्ट आ गई है। तो 32 पेन कितने के हैं हमारे 960 रुपीस के, ठीक है, इसे रुपीस भी लिखना है। जो ये इसकी जो यूनिट दी हुई है हमें, या तो कोई केजी में है, आवर है, जो भी है वो लिखते रहना, डेज है, वीक है, तो वो साथ के साथ लिख देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 15 मैन कैन बिल्ड अ बॉल इन 48 आवर्स। अगर 15 मैन अगर 15 आदमी एक बॉल को बनाने में कितना टाइम ले रहे हैं, 48 आवर,
हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 30 आवर्स में अगर हम कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे हमें, अगर इस वॉल को ही वो कितने 30 घंटे में बना देते हैं। तो सेम बनाएंगे इसका, एक तरफ लिखेंगे मैंस, एक तरफ लिखेंगे आवर। जहां हमें दो क्वांटिटीज दे रखी हैं वहां पर हमें इसे बनाकर चलना है। तो 15 मैन कितने टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, 48 आवर। तो 30 आवर दिए हुए, इसे हम x मान लेंगे। तो x1 by 1 और x2 by 2, इतना समझ आया। तो ये हमारा कौन से उसमें दिया हुआ है, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में। दिस क्वेश्चन गिवन इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया आपको, x1 by 1 इक्वल टू x2 by 2। तो x1 by 1 क्या है, 15 × 48 इक्वल टू x × 30। तो 15 ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 30 इक्वल टू x। तो 15 × 1 = 15, 52 = 30, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 24 मेंस। कितने मेंस की जरूरत है, 24। यहां पता चल ही रहा है तो इसे ही देखकर आपको पता चल जाएगी 24 मेंस और रिक्वायर्ड है हमें इसे इसमें। इतना समझ आया, ठीक है। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स। तो कितने 12 शीट्स हैं दी हुई हैं हमें, 12 शीट्स जिनका क्या है, 40 ग्राम्स वेट है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, सेम पेपर जिसका कि क्या है 40 ग्राम का वेट है, तो उसी वेट में हमें पेपर सेम लिए हैं, वुड वेट 2 whole 1/2 kg। तो हम पहले तो इसे क्या करेंगे भैया, सीधी सी बात है, हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक साइड लिख देंगे सीट्स, और ग्राम तो कितनी है, 12 सीट कितने की है, 40 ग्राम की है, और हमारे क्या है 2 whole, तो कितना हो जाएगा, 5/2, तो 5 ग्राम kg है, तो kg 5 kg, 5/2 kg है, तो सीधी सी हमें पता है 5000 ग्राम में हो जाएंगे, 2/2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, तो कितने हो जाएंगे, 2500। और कितनी सीट्स हैं, तो सीट्स हमें पता नहीं है, और ग्राम कितने हैं हमारे, 2500, हमने इसे चेंज कर लिया ग्राम में, ठीक है, क्योंकि एक जैसा ही होना चाहिए, एक हमें किलोग्राम में दे दिया, एक ग्राम में, या तो इसे भी आप किलोग्राम में चेंज करिए, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं अब। तो ये भी हमें किस में दिया है, दिस क्वेश्चन गिवन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो x1/1 इक्वल टू x2/2। तो x1 क्या है, 12/40 इक्वल टू x/2500 क्रॉस मल्टीप्लाई 40x इक्वल टू 12 × 2500, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे मैं मिटा देती हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 2500/40, 1 × 1 = 0, और 4 × 4 = 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और 1 = 7। तो कितने सीट्स और चाहिए, 750, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। समझ तो आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा और कौन सा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। इस सब चीज की मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर की है, ठीक है। तो इनवर्स कहां पर होगा, जहां पर एक बढ़ रही है और एक घट रही है, ठीक है।
और जो उनका मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल ना आए, ठीक है, इक्वल आएगा तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल नहीं आता है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। ऐसे ही उनका जो डिवाइडेशन है, जो उनका रेशियो है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 या 3/4 है तो दूसरा भी कितना आना चाहिए 3/4, और एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही है तो वहां पर हमारा क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये मैंने एक बार और आपको याद दिला दिया है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लाई व्हील ऑन एन इंजन मेक 150 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंड, तो 150 रिवॉल्यूशन वो कितने में बना रहा है 2 सेकंड में, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक इन 8 सेकंड, तो सीधी सी बात है ये हमारा किसमें होगा, किसमें होगा भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, क्यों, क्योंकि जब इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, अब देखो सेकंड बढ़ी है 8 हुआ है तो सीधी सी बात है इसका रिवॉल्यूशन भी क्या होगा बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे एक साइड और एक साइड सेकंड, तो 150 है कितने में 2 सेकंड में और 8 सेकंड में हमसे पूछा है कि कितने होंगे तो इसमें डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है डायरेक्ट ही है भाई, और देख लेते हैं अभी x1/y1 इक्वल टू x2/y2, तो x1 क्या है 150/2 इक्वल टू x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/8 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/8/2 2 4 8 तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 400 4 5 20 4 1 4 और 2 6 तो कितने हो जाएंगे 600 8 सेकंड वो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा 600, ये तो हमें वैसे ही पता चल रहा है 2 मिनट में 2 सेकंड में जब 150 लगा रहा है तो 4 में 300 और 6 में 450 और 8 में 600, ठीक है 450 और 8 में 600 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है इतना समझ आया, तो इसमें लिख भी देना है कौन से में है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 30 मैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस इन 15 डेज, तो मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी वो कितनी दिन में खा रहे हैं 30 लोग 15 दिन में, इन हाउ मेनी डेज विल 18 मैन कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस, तो सीधी सी बात है जब आदमी बढ़े हैं तो क्वांटिटी क्या होगी घट जाएगी, ठीक है तो इसमें कौन सा लग जाएगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है तो एक साइड मैन और एक साइड डेज, कितने हैं 30 मैन 15 डेज में खा रहे हैं तो 18 मैन कितने दिन में खाएंगे, तो सीधी सी बात है मैन घटे हैं, ठीक है तो टाइम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, डेज बढ़ जाएंगे, तो करते हैं इसे कौन से होगा ये इनवर्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, लिख देना आप 30 × 15 मतलब मैं x1 y1 इक्वल टू x2/2 तो क्या हो जाएगा 30 × 15 इक्वल टू 18 × x, तो 30 × 15/18 इक्वल टू x, तो इसे 3 6 18 और 3 5 15 6 5 15 तो x इक्वल टू क्या आ गया 25 days, यहाँ आगे 25 days, ठीक है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखना 30 आदमी जब 15 दिन में खा रहे हैं तो 18 तो ज्यादा दिन में ही खाएंगे ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है 18 जल्दी थोड़ी ना खा लेंगे, ठीक है तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ट्रेन इज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h, तो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 75 km/h, तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें टाइम निकालना है रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 km, तो स्पीड हमें क्या दे रखी है इक्वल टू दे रखी है हमें 75 km/h, ठीक है और उसकी हमारा डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस इक्वल टू 250 km, ठीक है इतना समझ आ रहा है, तो हमसे पूछा है टाइम, तो इसमें हमारी एक एक ही
क्या दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, इसलिए हमने इसमें अपना जो हमारा, तो इसीलिए इसमें हमने अपनी टेबल नहीं बनाई है। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसे हम जब टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, वन है ये वन, तो एस टी इक्वल टू डी, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। तो लगा दो, डिस्टेंस कितनी है आपकी 250, और हमारी ये क्या दी हुई है स्पीड 75, तो 5 से 5 जो 25 0 5 1 जा 5 5 5 जा, और 5 से 5 3 जा 15, और ये बचा 5 1 जा 5 और 0 तो 10 अपॉन 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 1 अपॉन 3। तो अब देखना 1 अपॉन 3 का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या होता है 60 मिनट होती है, ठीक है, तो 1 अपॉन 3 का मतलब है 60, क्यों 1 अपॉन 3 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 तो कितनी आ गई, यहां आ जाएगा 3 आवर एंड 20 मिनट। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 आवर एंड 20 मिनट। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्कूल फ्लैग पोल विच इज 69 मीटर हाई कास्ट इन शेडो ऑफ 3.2 मीटर एट अबव, एट अबाउट 11 एम द शेडो कास्ट बाय द स्कूल टावर एट द सेम टाइम इन 18 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। तो इसमें हमें दो दी हुई हैं, तो हम लिखते हैं इसे, जैसे कि स्कूल फ्लैग फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कंडीशन स्कूल फ्लैग हाइट इज इक्वल टू क्या है, इसमें हाइट इज इक्वल टू दे रखे 69 मीटर, और शेडो इज इक्वल टू दे रखे 3.2 मीटर, सेम स्कूल टावर, हाइट क्या दे रखी है इसमें स्कूल टावर में एक्स मान ली, और शेडो 18 मीटर दे रखी है। तो जो ये सब हुआ सेम टाइम पर हुआ है, लिख देंगे यहां सेम टाइम हैपन्स, ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है हमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यहां लिख दो डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, एक्स वन तो ये है 69 अपॉन 3.2 इक्वल टू एक्स अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3.2 एक्स इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई 18, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 69 इंटू 18 अपॉन 3.2, पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो एक जीरो ऊपर बढ़ा सकती हूं। अब इसे करो 2 से 2 6 जा 18, सॉरी 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 जीरो, 2 से 2 8 जा 16 और 45, तो अब ये नहीं कटेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 49, 69 इंटू 45 अपॉन 8, तो क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई आएगी 3105 अपॉन 8, 8 से काटो इसे 8 3 जा 24, बचा कितना 70 और 3 8 जा 64, कितना बचा अभी, फिर 70 हो गए, 6 8 जा तो 8 बन जा 8 15 हो गया, पॉइंट लगा देंगे 2 जा और 5 जा तो 388.125 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फार्मर हैज एनफ फीडिंग स्टफ फॉर हिज 50 कैटल टू लास्ट 10 वीक्स, तो कैटल और वीक्स लिख लेंगे हम यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कैटल एंड वीक्स, तो 50 है तो वो कितने वीक्स के लिए है, 15 के, सीधी सी बात है 10 वीक्स के लिए। फिर बोल रहा है इफ ही सेल्स 10 ऑफ हिज कैटल्स, तो
लेफ्ट कितनी बची, लेफ्ट कैटल, कैटल कितनी बची 50 माइनस 10, 10 बेच दी उसने तो 40, तो 40 बच गई और इसे हम x मान लेंगे क्योंकि वो यही पूछ रहा है कि कितना, हाउ लॉन्ग विल द फीडिंग स्टॉप लास्ट, तो कितने टाइम तक चलेगा। तो एक इसमें है हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो लगा देंगे x1 इनडायरेक्ट आई पी, एक्स वन बाई वन इजकल टू एक्स टू बाई टू, एक्स वन क्या है 50 इंटू 10 इजकल टू 40 इंटू एक्स, तो 50 इंटू 10 अपॉन 40 इजकल टू एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 2 से 2, 2 जीरो और 2 5, तो 2 से 25 से काटो 25 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 12.5 बीक्स। साढ़े 12 बीक और वो खिला सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 10 कैटल्स कम हो गई। इसी प्रकार हमारा 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, तो 80 मतलब 80 हॉस्टल मतलब स्टूडेंट है हॉस्टल में, फूड प्रीवियस फॉर देम इफ फॉर इन इन फॉर 15 डेज, तो कितने दिन के लिए है 80 स्टूडेंट्सों का 15 दिन खा सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रीवियस लास्ट इफ 20 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, अगर 20 स्टूडेंट्स और जुड़ जाएं इसमें, तो सीधा सा लिख देंगे स्टूडेंट और डेज, 80 स्टूडेंट है कितने दिन खा रहे हैं 15, तो 80 में 20 और प्लस कर देंगे हम तो कितने हो जाएंगे 100 स्टूडेंट टोटल, 100 तो कितने दिन खाएंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये भी हमारा किस में है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो लगा देंगे x1 by 1 x2 by 2, तो x1 क्या है 80 इंटू 15 इजकल टू 100 इंटू एक्स, तो 80 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में और x, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 जे 15, 5 2 जे 10, 2 से 2 4 जे 8, तो कितना हो जाएगा इजकल टू 12 डेज, तो कितने दिन और खा सकते हैं 12 डेज, अगर 20 और जोड़ देंगे इसमें तो वो 12 डेज ही भोजन कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गैरिसन इज प्रोवाइड विद राशन फॉर 80 सोल्डर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज, तो कितने दिन के लिए 60 डेज के लिए, 80 सोल्डर्स के लिए मतलब 80 जवानों के लिए वो एक महीने का राशन है, फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द राशन लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स, तो अगर इसमें 20 और एड कर दें सोल्जर्स, ज्वाइन देम आफ्टर 15 डेज, कितने दिन बात कर रहे हैं वो 15 डेज बाद ज्वाइन कर रहे हैं उसे, और 16 डेज का मतलब है दो महीने का राशन है और 15 दिन वो बाद ज्वाइन कर रहे हैं, और डेज तो कितने हैं 80 टोटल डेज कितने हैं इसकल टू 60 माइनस 50 तो कितने हो जाएंगे 45, तो यहां लिख देंगे 45 डेज, ठीक है, क्योंकि 15 दिन बाद ही तो कर रहे हैं, अब बोल रहा है कि वो 120 और एडिशनल कर दे तो टोटल सोल्जर्स कितने हो जाएंगे 80 प्लस 20 तो 100 और ये x हो जाएगा, ठीक है, अब ये कौन से होगा तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स, तो x1 by 1 is equal to x2 by 2, तो x1 क्या है 80 into 45 is equal to 100 into x, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 100 is equal to x, तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 0, 1 0 से 1 0, 2 4 जा 8, तो 9 4 जा 36 days।
तो वो कितने दिन और खा सकते हैं? 36 days. इतना समझ आया? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे. मैंने एक ही मेथड से आपको क्वेश्चंस समझाए हैं, तो घबराना नहीं है कोई भी क्वेश्चन में. अच्छे से क्वेश्चन करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम पार्ट टू में करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट वन यहाँ पर समाप्त होता है. तो मिलते हैं पार्ट टू में. अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद. नमस्कार.